नौतपा में मध्य प्रदेश रेगिस्तान जैसा तप रहा है। प्रदेश के अधिकतर जिलों में भीषण गर्मी पड़ रही है। निवाड़ी में तापमान 48.5 डिग्री दर्ज किया गया तो वहीं 20 जिलों में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया। प्रदेश के 16 जिलों के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर, गुना, अशोकनगर समेत राजगढ़, सागर, नीमच के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर है जहां नौतपा में मध्य प्रदेश रेगिस्तान जैसे तप रहा है। प्रदेश के अधिकतर जिलों में भीषण गर्मी पड़ रही है। निवाड़ी में तापमान 48.5 डिग्री दर्ज किया गया तो वहीं 20 जिलों में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। प्रदेश के 16 जिलों के लिए लू का रेड अलर्ट जारी हुआ है। ग्वालियर, गुना, अशोकनगर समेत राजगढ़ समेत सागर, नीमच के लिए लू का रेड अलर्ट जारी हुआ है। तो अब देखिए ग्वालियर की भी तस्वीरें आपको दिखाई गई, जहां ग्वालियर में गर्मी जानलेवा साबित हो रही है। लू लगने से 2 लोगों की मौत की आशंका जताई गई है। 50 साल के ई रिक्शा चालक और पेड़ के नीचे खड़े एक अधेड़ की हीट स्ट्रोक के चलते मौत की आशंका जताई गई। और इस बीच ग्वालियर में गर्मी ने 87 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आजादी के बाद पहली बार मई में पारा 47.6 डिग्री तक पहुंच गया। 1947 की मई में पारा 48.3 डिग्री तक पहुंच गया था। और अब छतरपुर का जिक्र, जहां पर भीषण गर्मी ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हां, यहां पर खजुराहो में तापमान पहुंचा 48 डिग्री के पार। सीजन का सबसे गर्म दिन रहा मंगलवार। 3 दशक के बाद सबसे ज्यादा गर्म रहा खजुराहो। तेज लू से इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। भट्टी की तरह इलाके में दहक रहे हैं लोग। मजदूर परिवार हीट वेव के बीच मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। आसमान में उल्टी दस्त के अस्पताल में उल्टी दस्त के जो मरीज हैं वो बढ़ गए। आसमान से आफत बरस रही है और ये उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है जो खुले में आसमान के नीचे काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, अपना व्यापार करते हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे भोपाल से संवाददाता शैलेंद्र चौहान। अमित शर्मा मुरैना से जुड़ गए हैं। तो शैलेंद्र, आपके पास आते हैं। भीषण गर्मी का कहर आसमान से, मानिए कि आफत बरस रही है। जी देखिए, बिल्कुल नौतपा जिस तरह तपा रहा है उसने पूरा गर्मी से हलाकान कर रखा है। ना केवल भोपाल बल्कि ऐसे 20 जिले एमपी के जो अपनी तपिश जो इतनी ज़्यादा है, 45 डिग्री के पार जहाँ पारा जा चुका है, और इस तपन से बचने के लोग अलग अलग जतन भी कर रहे हैं। लेकिन भोपाल में पिछले 24 घंटे में हीट स्ट्रोक से 2 लोग की मौत हो चुकी है और यहाँ पर एक 36 साल के युवा ने भी दम तोड़ा है कल। तो निश्चित ही तपन बढ़ती जा रही है, पारा बढ़ता जा रहा है। भोपाल में 45 के पार था और राजस्थान से जो गर्म हवाएं जो आ रही है उसने पूरे मध्य प्रदेश को तपा रखा है और आने वाले 2-3 दिन और लू की संभावना जताई गई है। हीट स्ट्रोक से बचने के लिए भी, हीट वेव से बचने के लिए भी लगातार उपाय किए जा रहे हैं, सलाह दी जा रही है, एडवाइजरी भी जारी की गई है। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि फिलहाल 2-3 दिन और राहत मिलेगी। सबसे अच्छा उपाय है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अगर विशेष काम हो तो ही घर से बाहर निकले, और यह भी एडवाइजरी दी गई कि सिर और मुंह को ढककर रहे और जितना उपाय हो सके ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। और मौसम का जो असर है वो आने वाले 2-3 दिन इसी तरह रहेगा, तो ज्यादा से ज्यादा उपायों के साथ ही जनता को भी बाहर जाना चाहिए। और ये संभावना भी जताई गई है कि बाकी जो जिले हैं, करीब भोपाल है उसके आसपास 9 जिले हैं जहाँ पर 16 जिलों में तो येलो है, अलर्ट है, बाकी रेड अलर्ट भी जारी किया गया। तो सभी जगह एहतियात बरतने के लिए भी निर्देश है और मौसम विभाग ने आने वाले 2-3 दिन चेतावनी दी है कि ज़्यादा से ज़्यादा बचे। बिल्कुल। और आपके पास आते हैं अमित, मुरैना में किस तरीके के हालात हैं? बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल है, एक तरीके से अघोषित कर्फ्यू जैसी स्थिति बन गई इलाके में। देखिए, मुरैना के हालातों की बात की जाए तो मुरैना राजस्थान से सटा हुआ इलाका है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्मी होती है तो वो चंबल इलाके में होती है, चाहे तो मुरैना हो या भिंड हो या श्योपुर हो। मुरैना में जो गर्म हवाएं आती हैं रेगिस्तान से, वो मुरैना होते ही एमपी में दाखिल होती है। यही वजह है कि बीते रोज की बात की जाए तो 47.5 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया था और जो न्यूनतम टेम्परेचर था वो अभी 33 डिग्री पर पहुंच गया है। और आज की बात की जाए तो आज भी मौसम विभाग का जो अनुमान है 46 डिग्री के पार टेम्परेचर
टेम्परेचर पहुंचने वाला है। तो फिलहाल जो जिस तरीके से जो गर्मी से राहत तो मुरैना वासियों को अभी 3 से 4 दिन नहीं मिलने वाली है, लेकिन जो गर्मी जितनी ही बढ़ती जा रही है यही वजह है कि अस्पताल में भी मरीजों की संख्या बढ़ गई है। और इसी को लेकर के कल कलेक्टर अंकित अस्टाना ने एडवाइजरी जारी की है, उसमें साफ कर दिया है कि लोगों को घर से तभी निकलना है जब जरूरी काम हो, तभी घर से बाहर जाना है, वह भी सुबह 10 बजे तक अपने आवश्यक कार्य हो उनसे फ्री हो ले और शाम को 5 बजे के बाद ही आवश्यक कार्यों के लिए घर से बाहर निकले। तो एक तरीके से ये बात तो साफ है कि प्रशासन ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है और अब स्वास्थ्य विभाग ने भी साफ कर दिया है कि अधिक से अधिक इस भीषण गर्मी में तरल पदार्थों का सेवन करें और घर से बाहर नहीं निकले, कूलर पंखे की हवा ले, क्योंकि एक व्यक्ति की 2 दिन पहले मौत भी हो चुकी है इस भीषण गर्मी से। तो फिलहाल 3 से 4 दिन अभी मुरैना वासियों को गर्मी से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अमित, और साथ ही शैलेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल अभी गर्मी से कोई राहत मिलने वाली नहीं है और सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि भीषण गर्मी से नेताओं का भी बुरा हाल है।